जब एक इंडेक्स पहले नेगेटिव हो जाता है, दूसरा इंडेक्स जब होल्ड करता है ना, तो ऐसे में चांस रहता है कि यहाँ से मार्केट अपसेट का मोमेंटम कर दे। हेलो गाइस, तो मार्केट देखिए यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन दे रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 100-120 पॉइंट के आसपास का डिस्टेंस है। तो अभी अपना यहाँ पे प्लान किया है, देखिए यहाँ पे हमने प्लान किया था बाइंग साइड का ट्रेड बनाएंगे, लेकिन दिक्कत यही है कि नीचे के साइड राउंड लेवल है और राउंड लेवल के आसपास से जब ऊपर जाने का कोशिश करता है ना, तो ऐसे में देखिए सभी कोई बाई करने का कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट में जब ऊपर के साइड जो सेलर है या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो सेलर है मार्केट उसको निकाल देगा ना, तो हम यहाँ पे सेलिंग करने का ही कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी मार्केट अगर यहाँ से ओपन होते गिरावट करने लगता है तो रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा प्लान है, वेट करते हैं मार्केट ओपन होने वाला। मार्केट डायरेक्टली गिरने का कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे पोजीशन बनाना ठीक नहीं होगा, हमें पहले थोड़ा बहुत अपसेट का मोमेंटम मिल जाए उसके बाद हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली सेलिंग करेंगे ना तो हम भी ट्रैप हो सकते हैं, मार्केट थोड़ा मोड़ा ऊपर से साइड मोमेंटम कर दे उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमने सेलिंग साइड का पोजीशन बना लिया, बाई किया है 43,600 का पी, अभी देखे तो 100-150 के आसपास प्रॉफिट लॉस चल रहा है और हमने इस वाले कैंडल पे सेलिंग साइड का पोजीशन बनाया। बात करते हैं हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन क्यों बनाया। देखिए मार्केट में हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देखने मिल जाए हमें, लेकिन क्या है कि देखिए निफ्टी बहुत अच्छा रिजेक्शन ले लिया, तो मैं निफ्टी को देखा हूँ और यहाँ पे निफ्टी कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिजेक्शन वाला कैंडल बना लिया, बैंक निफ्टी में भी रेड कैंडल मिल गया। देखिए रिस्क यहाँ पे यही है कि मार्केट थोड़ा मोड़ा और अपसेट का मोमेंटम किया ना इसका ब्रेकआउट वगैरह, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी देखिए मार्केट को ज़्यादा अपसेट का मोमेंटम यहाँ से करना तो नहीं चाहिए, बाकी अगर करता है तो जो लॉस का लिमिट है अपना यहाँ पे 700-800 रुपये के आसपास का लॉस का लिमिट है, और प्रॉफिट भी हम 700-800 जैसा मार्केट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग मिलेगा उसके अकॉर्डिंग लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता नहीं होता। बस यहाँ पे देखिए अपना लॉस बढ़कर 300-250 के आसपास चलना शुरू हो चुका है। मार्केट में हमने बात भी किया था कि थोड़ा मोड़ा इसका ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर आ सकता है, तो गाइज़ यहाँ पे देखिए अपना लॉस कम होकर कॉस्ट के आसपास आ चुके हैं। मार्केट बहुत अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम कर दिया, निफ्टी तो बहुत ज़्यादा गिरावट दे रहा है। निफ्टी जिस तरह से गिरावट दे रहा है ना, उस तरह से अगर बैंक निफ्टी गिरावट देना तो मज़ा आ जाना है यहाँ पे। बाकी ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉस बिल्कुल कम हो चुका है, कैंडल भी ठीक ठाक बना रहा है, तो जस्ट वेट करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए 500 का लेवल ब्रेक डाउन वगैरह करेगा तो और अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा, छोटा मोटा प्रॉफिट भी देख लिए, चलिए कोई बात नहीं, वेट करते हैं। मार्केट कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल है, मार्केट गिरावट तो किया था लेकिन फिर से ये अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए मार्केट जब तक ये हाई का ब्रेकआउट नहीं करता है ना तब तक हम यहाँ पे सेफ है। बाकी अगर इसका ब्रेकआउट करता है तब मार्केट ज़्यादा ही ऊपर जा सकता है, फिर तो हमें जो लॉस है वो दे के मार्केट से निकलना होगा। बाकी वेट करते हैं, फिर से लॉस बढ़ चुका है यहाँ पे, कोई बात नहीं वेट करते हैं, कैंडल भी स्ट्रांग बना दिया मार्केट ने। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हमने एक और लॉट ऐड किया है और टोटल अपने पास 30 क्वांटिटी हो गया और हमने यहाँ पे लॉट क्यों ऐड किया। देखिए अब मार्केट को अगर गिरना है ना तो गिरेगा यहाँ से, बाकी यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट किया तब तो देखिए लॉस तो हमें ऐसे भी होना है, और जो अपना लॉस का लिमिट है सेम रहेगा, 700-800 रुपये के आसपास का लॉस का लिमिट रहेगा। अगर 800 दिखाता है हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर यहाँ से प्रॉफिट बना ना तो एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, बाकी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता नहीं होता, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखिए मार्केट गिरने का कोशिश तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत है, दिक्कत यही है कि रेजिस्टेंस के आसपास आके काफ़ी टाइम मार्केट होल्ड कर रहा है, जल्दी से गिर नहीं रहा, धीरे धीरे गिर रहा है। और निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए निफ्टी बहुत अच्छा गिरावट कर रहा है, निफ्टी का जो मोमेंटम है ना बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी का मोमेंटम मिलता तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आ जाते हम, लेकिन जब एक इंडेक्स पहले नेगेटिव हो जाता है, दूसरा इंडेक्स जब होल्ड करता है ना, तो ऐसे में चांस रहता है कि यहाँ से मार्केट अपसेट का मोमेंटम कर दे, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने सिस्टम में एसएल डाल दिया क्योंकि देखिए ऊपर के साइड भी एसएल है, कहीं से भी लंबा स्पाइक बन जाएगा मार्केट में तो लॉस ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो देखते हैं क्या होता नहीं होता। यहाँ पे देखिए अपना जो एसएल था वो हिट हो चुका है और जो हमने लॉस बुक किया वो 830 रुपये के आसपास का लॉस बुक किया। पोजीशन कब बनाया था, 9:21 में, 10:06 में हमने टोटल पोजीशन एग्जिट कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे एक लॉट और ऐड कर लिया था। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे हमने सेलिंग साइड का पोजीशन क्यों बनाया था, क्योंकि देखिए मार्केट एग्जैक्ट क्या कर रहा था, 43,500 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था और निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नेगेटिव वाला रेड कैंडल बना के रिजेक्शन ले लिया था, तो उसको देखते हुए और बैंक निफ्टी में देखते हुए हमने यहाँ पे पोजीशन एंट्री बना लिया। अब देखिए चाहता तो वेट कर सकता था, बात हमने किया था कि मार्केट थोड़ा बहुत इसका ब्रेकआउट भी करने के लिए आ सकता है, लेकिन क्या होता है कि देखिए जब कैंडल वगैरह प्राइस एक्शन बन जाए ना तो वहाँ पे वेट नहीं करना है, एंट्री कर लेना है, मैं मेरा ये पर्सनल व्यू है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, देखिए
मैं अगर यहाँ पे एंट्री नहीं करता ना, हो सकता था मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता ना, तो मैं यहाँ पे फोमो में एंट्री लेता। फिर वहाँ पे एंट्री गलत होने से क्या होता, थोड़ा मोड़ा अगर रिट्रेसमेंट करता ना, तो वहाँ पे जो लॉस का लिमिट है ना जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एकदम जहाँ समझ में आता वहीं पर एंट्री लेने का कोशिश करता हूँ। एंट्री लिया, मार्केट थोड़ा मोड़ा परेशान तो किया, बाकी देखिए मार्केट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। थोड़ा मोड़ा जो यहाँ पर जो सेलिंग करने का कोशिश कर रहा है ना, मार्केट उसको निकाल रहा है और कुछ नहीं, मार्केट ओवरऑल लेकिन सेलिंग में ही जाएगा, क्योंकि ये राउंड लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब इसको नीचे ही आना है। बस थोड़ा सा अपना क्या हुआ, स्पाइक में एसएल जो था हिट हो गया, तो सिंपल सा लॉजिक के साथ हमने ट्रेड बनाया था जिस तरह से हमेशा बनाते हैं। बाकी ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।